दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ध्यान से देखा है और उसके रूफटॉप पर, उसके छत के ऊपर अगर आपने गौर दिया है, आपने उसे केयरफुली देखा है, ध्यान से देखा है, तो आपने इस डिवाइस को जरूर देखा होगा। ये डिवाइस को कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन फील्ड में इंस्टॉलेशन वर्क या मेंटेनेंस वर्क करते हैं, तो आप इस टर्म से परिचित जरूर होंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है। लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को, जो आउटडोर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं, उन्हें लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से जो भी खतरा होता है, जो भी डेंजर होता है ओवर वोल्टेजेस का या हाई सर्जेस का, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अब आप सोचोगे कि फिर इसका काम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रूफटॉप पर क्या है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रूफटॉप पर इसे क्यों माउंट किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि लाइटनिंग अरेस्टर इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन को या इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में जो लगे डिवाइसेज हैं उन्हें लाइटनिंग स्ट्रोक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि हाई सर्जेस या ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि लाइटनिंग जब डिस्चार्ज होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसमें वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस उसमें वो डिस्चार्ज कर देती है। क्योंकि लाइटनिंग इट इज़ नथिंग बट द ह्यूज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विथ ट्रेमेंडस हीट एंड मिलियंस ऑफ वोल्टेज। दोस्तों, अगर लाइटनिंग किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर स्ट्राइक होती है या किसी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर स्ट्राइक होती है, तो उसमें वो इतना ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस कर देगी एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से कि वो वोल्टेज एबनॉर्मल वैल्यू तक चला जाएगा, नॉर्मल वैल्यू से बाहर हो जाएगा, जिससे कि उस सिस्टम का इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और वो इलेक्ट्रिक सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब सिचुएशंस क्रिएट ना, इसलिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के छतों पर लाइटनिंग अरेस्टर माउंट किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लाइटनिंग अरेस्टर माउंट किया जाता है आउटडोर वाले इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस पर, क्योंकि वहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनडोर लाइटनिंग अरेस्टर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेन को बहुत दूर दूर ट्रैवल करना होता है, आउटडोर ही उसका वर्किंग और फंक्शनिंग होता है, तो उस पर जाहिर सी बात है लाइटनिंग स्ट्राइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, अब आप बोलोगे कि क्या पूरे ट्रेन पर नहीं हो सकती है क्या? लाइटनिंग स्ट्राइक दोस्तों कहीं पर भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने देखा हो कि पूरी ट्रेन पर सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रूप पर ही, उसके छत पर ही इलेक्ट्रिक सर्किटरी माउंट होती है, बाकी डिब्बों पर नहीं, ट्रेन के बाकी कोचेस पर नहीं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रूफटॉप पर पेंडोग्राफ होता है, कंडक्टिंग लिंक होती है मेटल की, सर्किट ब्रेकर होता है, हार्मोनिक फिल्टर लगे हुए होते हैं, मेनी मोर इक्विपमेंट्स आर देयर। तो दोस्तों, ये सभी इक्विपमेंट्स हाई सर्जेस से सेफ रह सके, ओवर वोल्टेज इन पे ना इंड्यूस हो, इसी वजह से वहाँ लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो माउंट किया जाता है। सपोज अगर लाइटनिंग अरेस्टर नहीं होगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की छत पर और लाइटनिंग स्ट्राइक होती है बाई चांस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है जो लाइटनिंग की वजह से डिस्चार्ज होंगे उस सर्किट में, वो सभी एक्स्ट्रा चार्जेस कंडक्टिंग लिंक से होते हुए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में पहुंच जाएंगे जो लोकोमोटिव में माउंट होता है, जिससे कि वो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट होने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज उसे हम अप्लाई करते हैं तो वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू इंसुलेशन फेल्यूर। तो दोस्तों, इन एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से वहाँ पर ओवर वोल्टेज इंड्यूस होगा, उस ट्रांसफार्मर का और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनका सबका इंसुलेशन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, जिससे कि वे डिवाइसेस फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे, आपका लोकोमोटिव डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के रूफटॉप पर लाइटनिंग अरेस्टर माउंट किया जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम होता है। बाकी ट्रेंस पर आप देखोगे तो उन पर कुछ लगा हुआ नहीं होता, ना ही कोई पेंटोग्राफ्स होते हैं, ना ही कोई सर्किट ब्रेकर होता है, ना ही कोई कंडक्टिंग लिंक होती है, कुछ नहीं, नथिंग आर देयर। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लें तो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, वो भी लोकोमोटिव भी रेलवे इंजन है, लेकिन वहाँ पर भी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नहीं होता है उनके छतों पर, इसलिए वहाँ पर भी लाइटनिंग अरेस्टर का कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, अब आप बोलोगे कि अगर ट्रेन के डिब्बों पर, कोचेस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो फिर हम कैसे सुरक्षित रहते हैं ट्रेन में, अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो, या फिर कोई मटेरियल उनके थ्रू ले जाया जा रहा है तो वो कैसे सुरक्षित होता है? तो दोस्तों, कोई भी व्हीकल वो डिज़ाइन की जाती है फैराडे केज के प्रिंसिपल पर। फैराडे केज डिज़ाइन किया था ग्रेट इन्वेंटर माइकल फैराडे ने। ये केज का फंक्शन या वर्किंग था कि इसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन पर बाहरी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी असर नहीं होगा। अगर कोई उस केज के अंदर है और उस केज पर कोई बाहर से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्राइक करता है, तो अंदर वाले शख्स को किसी भी तरीके का हार्म या फिर इफेक्ट नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड या वो जो चार्जेस है वो उस केज के एक्सटीरियर, उसके बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे, इंटीरियर में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा।
तो यही सेम प्रिंसिपल ट्रेन के कोचेस पर भी अप्लाई होता है। अगर उन पर लाइटनिंग स्ट्राइक भी होती है तो वो ट्रेन के डिब्बों के बाहरी पार्ट्स के जरिए व्हील्स से होते हुए रेल्स को और ग्राउंड हो जाती है। अंदर जो लोग होते हैं उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान या इफेक्ट नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होते हैं। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती भी है ट्रेन के डिब्बों पर तो वो एक्सटीरियर के जरिए फ्लो होती है, ग्राउंड हो जाती है, इंटीरियर में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लोकोमोटिव पर ही लाइटनिंग अरेस्टर माउंट किया जाता है, जिस लोकोमोटिव के रूफ टॉप पर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक सर्किटरी माउंट होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जरूर 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 पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जानने हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।